ये हमारा रेलकॉन का 3 KV ऑफलाइन UPS है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके पीछे हमने आउटपुट है, तो ये हमने आउटपुट की वायर बना रखी है, ये हम आउटपुट में लगाएंगे। बैटरी के कनेक्शन हमने पहले ही कर रखे हैं, माइनस का माइनस में, प्लस का प्लस में, और 48 वोल्ट का ही है। और ये हमने वायरिंग हमने 48 में दे रखी है, माइनस की माइनस में और 48 वोल्ट को 48 में, ठीक है। ये हमारे मेन है इनपुट और ये है आउटपुट। अब हम यहाँ से इनपुट देंगे, ये हमने इनपुट दे दी तो हमारे सामने मेन का इंडिकेशन आ गया। अब हम इसको UPS को सामने से ऑन करेंगे। ये ऊपर हो गया, ऑन ऑन हो गया, लोड इस पर चलने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आउटपुट आ गई, इनपुट आ गई, ये लोड चल रही है और ये चार्जिंग एम्पियर आ रही है बीच में, अभी 4 एम्पियर पर चार्ज कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी वैसे वैसे एम्पियर अप डाउन होते रहेंगे। अब हम इसको बैटरी पे चलाते हैं। अभी हम यहाँ से इसका इनपुट ऑफ कर देंगे। जैसे हम इनपुट ऑफ कर देते हैं तो ये सामने इंडिकेशन आया था आउटपुट ऑन और इन्वर्टर ऑन, यानी अब ये बैटरी मोड पे काम कर रही है। ये देखिए इनपुट इसकी गिर गई है और आउटपुट इसका बेसिक है वैसे। अब हम इसको अभी माइनस हो रही है, नहीं आ रही है ना, -13, तो इसका मतलब डिस्चार्जिंग हो रही है। अब हम इसको चार्ज पे ऑन कर देते हैं, इनपुट इसको दे देते हैं। तो जब हमने इनपुट दे दिया तो वापसी मेन आ गया और आउटपुट ऑन कर ही रही है, यानी वर्क कर ही रही है। यह रेलकॉन का 3 KVA ऑफलाइन UPS और यह आगे से शट है।